तो ये डिप्लोमा होल्डर्स के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ताकि ये इसमें कंपटीशन कम होता है, क्योंकि सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज बहुत ही लंबे टाइम बाद मनीष मौर्य जी का समय हमें मिल पाया। सो आज हमारे साथ है मनीष मौर्य, जो कि डीएमआरसी में जेई हैं। तो आज हम डीएमआरसी जेई के पेपर पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में इनसे पूछने वाले हैं। सो मनीष भाई, पहले आप अपना इंट्रो दीजिए। मेरा नाम मनीष मौर्य है और मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने जो है अपना डिप्लोमा 2019 में राजकीय पॉलिटेक्निक लखनऊ से कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया, एग्ज़ाम दिया, उसके बाद मेरा बेसिकली एग्जाम हुआ। तो अभी आप डीएमआरसी में जेई? डीएमआरसी में अभी मैं प्रेजेंटली डीएमआरसी में एज अ जेई वर्क कर रहा हूँ। सो अभी हम बात करें डीएमआरसी में जेई बनने के लिए एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या रहता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जो भी डिप्लोमा स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, बीटेक वाले हैं, किस तरीके से वो डीएमआरसी में जेई बन सकते हैं? बेसिकली डीएमआरसी में जेई बनने के लिए इस समय तो आपको डिप्लोमा होना कंपलसरी है, विदाउट डिप्लोमा नहीं होगा। अगर आपने बीटेक किया है तो आप नहीं आ सकते जब तक कि आपके पास डिप्लोमा नहीं है। तो ये एक डिप्लोमा होल्डर्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ताकि ये इसमें कंपटीशन कम होता है, क्योंकि बीटेक अलाउड नहीं है। तो ये डिप्लोमा होल्डर्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट हो गया। मतलब ये है डीएमआरसी में जेई बनने के लिए डिप्लोमा कंपलसरी है, आपके पास बीटेक है तो बीटेक बीटेक से खाली बीटेक से नहीं होगा, आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए। ये इसमें रहता है, मतलब डिप्लोमा अगर है तो डिप्लोमा डिप्लोमा से हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास खाली बीटेक बीटेक है तो बीटेक बीटेक से नहीं हो पाएगा, डिप्लोमा भी होना चाहिए। ये काफी एक पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव वे है डिप्लोमा के लिए। तो अभी पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें कि पेपर पैटर्न, एग्जाम क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न जो भी रहता है, ये क्या है, मतलब इसके लिए डीएमआरसी जेई बनने के लिए? डीएमआरसी जेई के बनने के लिए उसमें दो पेपर होते हैं, बैक टू बैक होते हैं, एक ही साथ दो पेपर होते हैं, एक ही दिन होंगे, एक ही साथ होंगे, कोई इंटरवल नहीं होगा दोनों पेपर में। तो एक टीयर वन होता है, एक टीयर टू होता है। तो टीयर वन में 120 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 90 मिनट्स का होता है, और टीयर टू में 60 क्वेश्चन होता है, जो कि 45 मिनट्स का होता है। तो टीयर वन में 75 हमारा ट्रेड से रिलेटेड यानी कि टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, 15 मैथ आएंगे, 15 रीजनिंग आएगा, और 15 जीएससी आएगा। ये टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, जो कि 90 मिनट्स होंगे। उसके बाद जैसे ये 120 मिनट मतलब 90 मिनट्स होगा, तुरंत ही आपका टीयर टू खुल जाएगा सेम स्क्रीन पर। उसके बाद क्या होगा, आपका 45 मिनट्स का इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, जो कि 60 क्वेश्चन होंगे। और जब पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो जिसका इसका रिजल्ट आएगा, ये 180 से ना आके आउट ऑफ 100 आएगा। इसमें क्या होगा, 120 का 2/3 यानी कि 80 मार्क्स, और जो इंग्लिश होगा 60 का यानी कि 1/3 यानी कि 20 मार्क्स, 80 प्लस 20 100 100 से कट ऑफ बनता है, कट ऑफ बनती जो है 100 फाइनल सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन। तो ये पेपर पैटर्न और एग्जाम पैटर्न बनाता है। अभी आप अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा बताइए कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या थी, आपने किस तरीके से तैयारी की, और डिप्लोमा करते करते आप तैयारी स्टार्ट कर दी थी या डिप्लोमा के बाद की, या किस तरीके से आपका जर्नी रही है, जो भी स्ट्रगल रहा है आपका एक पॉलिटेक्निक कॉलेज से और अपना डीएमआरसी में जेई बनने तक का, जो भी आपका स्ट्रगल है वो थोड़ा बता दीजिए। देखिए, जैसे आप डिप्लोमा में एडमिशन ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक आपका माइंडसेट क्लियर हो जा रहा है, आप डिप्लोमा करने आ रहे हैं टेक्निकल में, तो आपको एज अ जेई जाना है। तो आप शुरू से ही थोड़ा थोड़ा करके ना, एकदम ऐसे ना लग जाइए कि आया तुरंत लग गया, ऐसा कुछ नहीं। जो जो आपका सिलेबस होता जा रहा है डिप्लोमा में, उसके जो भी टॉपिक है कंसेप्ट क्लियर करते रहिए, क्योंकि वो आगे प्रिपरेशन में काफी काम करेंगे। उस समय आप डीप डीप में कंसेप्ट क्लियर करते चलिए। उसके बाद जैसे ही पास आउट हुए, आप बिल्कुल आप लग जाइए अच्छे से। उसके बाद कोचिंग मैंने क्या किया, मैं शुरू शुरू में थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहा। उसके बाद 2019 पास आउट हुआ, उसके बाद मैंने तुरंत कोचिंग ज्वाइन कर ली, मैंने 6 महीने कोचिंग की। उसके बाद मैं कोचिंग के साथ साथ ही अपना क्या था, सेल्फ स्टडी भी कर रहा था। ऐसा नहीं है कि कोचिंग है तो सिर्फ कोचिंग ही, अपना पहले पूरा सिलेबस कवर करो। उसके बाद कोचिंग के साथ मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, लाइब्रेरी जाता था, लाइब्रेरी पढ़ता था। और जब सिलेबस पूरा हो जाए तो सबसे है कि आप क्वेश्चंस लगाते रहिए और रिवीजन करते रहिए, शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, काफी हेल्पफुल होता है। अच्छा, जैसे आपका 2019 में ये डिप्लोमा कंप्लीट हो गया था, और अभी आपने कब ज्वाइन किया, मतलब डीएमआरसी? मैंने डीएमआरसी ज्वाइन की 20 जुलाई में, 2021 में ज्वाइन। अच्छा, मैंने 19 में डिप्लोमा कर। सो इनका डिप्लोमा जो है गाइस 2019 में कंप्लीट हो गया था, और इन्होंने 2021 के जुलाई में डीएमआरसी ज्वाइन कर लिया।
तो ये इतनी जल्दी जल्दी आपका काम हो गया है, मतलब 2019 में जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो मतलब आपकी फीलिंग कैसी है? मतलब ये तो फीलिंग तो काफी अच्छा रहा, क्योंकि वेट नहीं करना पड़ा, तुरंत ऐसे पास आउट हुए। और कोविड ना होता तो 6 महीने के बाद ही ज्वाइन हो गई होती, लेकिन कोविड की वजह से ये 1.5 साल डिले हो गया। तो जॉब के मतलब पास आउट होने के तुरंत बाद जॉब लग जाना काफी अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। सो जैसे गाइस 2019 में इनका डिप्लोमा हुआ, अगर कोविड ना आता तो 2020 के स्टार्टिंग में मार्च तक इनका ज्वाइनिंग हो जाता। सो कोरोना की वजह से थोड़ा लेट हुआ, लेकिन बहुत जल्दी इनका ज्वाइनिंग मिल गया है इतनी कम एज में ही, ये डिप्लोमा के थ्रू अपना DMRC में JEE बन गए हैं गाइस। तो ये इनका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहा। और अगर डेली रूटीन की बात करें कि प्रिपरेशन की, जैसे आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो गया, कोचिंग कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो आप फ्री थी घर पे थे, तो उस टाइम मतलब आपका डेली रूटीन क्या रहता था? बेसिकली इसमें था ये कि जो कोचिंग के साथ साथ ही जब एग्जाम हुआ DMRC का, तो उसमें तो मैं कोचिंग था, कोचिंग में अभी कोचिंग में थे, क्योंकि अभी 6 महीने के अंदर ही सारी चीजें हुई हैं। तो उस समय मेरा 7 से कोचिंग होती थी, 7 से 1 बजे तक कोचिंग होती थी, उसके बाद आते थे अपना थोड़ा रेस्ट करना है, खाना पीना खाना है, उसके बाद फिर लाइब्रेरी चले जाते थे, लाइब्रेरी जाके वहाँ 6 से 7 घंटा अपना, कोचिंग के बाद भी 6 से 7 घंटा लाइब्रेरी में देना है आप, मतलब कोचिंग के बाद अगर 6 घंटा से 7 घंटा इफेक्टिव आप अपने स्टडीज पे देते हैं तो सफिशियंट है 7 घंटा कोचिंग के बाद अगर आप 6 से 7 घंटा इफेक्टिवली दे रहे हो पढ़ाई को, तो उतना सफिशियंट रहता है। अच्छा, जो लोग मतलब कोचिंग कंप्लीट कर रही है, बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मतलब जो घंटे पूछते रहते हैं कि कितने घंटे तक हमें पढ़ना चाहिए, क्या मतलब आप बताना चाहते हैं? अगर आप कोचिंग कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद तैयारी कर रहे हैं, तो मिनिमम आप अगर इफेक्टिव पढ़ाई देखा जाए, अगर इतना हो जाता है। अगर हम टेस्ट सीरीज और रिवीजन के रोल की बात करें, तो पहले आप जो भी हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं उन्हें टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ा बताइए, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं बात करता हूँ वो टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं, तो टेस्ट सीरीज का क्या इफेक्टिव रोल रहता है सिलेक्शन में, वो बताइए थोड़ा। सबसे बड़ा अगर रोल होता है तो टेस्ट सीरीज का होता है, जो टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं वो, ये तो काफी गलत है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में ये होता है कि हम नए नए क्वेश्चन से क्या होता है इंट्रैक्शन होता है हमारा, नए नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उस समय पता चलता है कि कैसे क्या क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पूछने का कई तरीका होता है जिसमें हम समझ नहीं पाते हैं। तो आप सिलेबस कंप्लीट करने के बाद रिविजन करते रहिए, और मेरे हिसाब से तो टेस्ट सीरीज जितना ज्यादा देंगे, जितना ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, उतना ही आपका इजी हो जाएगा किसी भी एग्जाम में अपीयर होना, और वहाँ की जो प्रेशर होता है एग्जाम का वो हैंडल करना। मतलब टेस्ट सीरीज देने से आपको नए नए क्वेश्चन आप देख सकते हो, वहाँ से नए नए क्वेश्चन से आप कॉन्सेप्ट सीखे, और आपको जो जब टेस्ट सीरीज देंगे तो वहाँ से आपको टाइम जो है टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा, क्योंकि एग्जाम में सबसे बड़ा जो होता है टाइम मैनेजमेंट होता है, और टेस्ट सीरीज से हमें टाइम मैनेजमेंट आता है, और क्या क्या क्वेश्चन कहाँ कहाँ छोटी छोटी गलतियां करते हैं एग्जाम में वो हमें सीखने को मिलता है, जो कि हम जाके जब मेन एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ गलतियां नहीं होंगी और वहाँ का सिलेक्शन का चांसेस। तो गाइस ये आप जान सकते हो कि टेस्ट सीरीज से क्या होता है, टेस्ट सीरीज से आपको टाइम मैनेजमेंट, किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है वो आपको पता चल जाएगा, और क्या क्या गलती आप कर सकते हो वो आपको एडवांस भी पता चल जाएगा, जिससे कि ताकि एग्जाम में जाने के बाद परेशानी ना हो, प्रेशर ना, एक्स्ट्रा बर्डन, क्योंकि वहाँ पे टाइम मैनेज नहीं होता है, तो प्रेशर में आके हम क्या करते हैं और क्वेश्चन गलत करते हैं जल्दीबाजी के चक्कर में। ये बेनिफिट है टेस्ट सीरीज से। तो टेस्ट सीरीज क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करके, टेस्ट सीरीज जितना देंगे आप देखेंगे आप उतना ही अच्छा डे बाई डे अपने आप इम्प्रूव कर पाएंगे। तो अगर प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस या सिलेबस एनालिसिस की बात करें, तो वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन के लिए, या जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेना हो तो उसके लिए प्रीवियस ईयर तो काफी मतलब बेनिफिट होता है उससे, क्योंकि आपको एक तरीके से पता चल जाता है कि कैसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस डिफिकल्टी लेवल हो जाता है, और किस तरीके से कितना कितना क्वेश्चन किस पार्ट से आ रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। और इससे ये भी होता है कि हम काफी चीजें जब तैयारी करते हैं, तो JEE के लिए एक पर्टिकुलर एग्जाम नहीं तैयारी करते हैं, जैसे डेडिकेटेड JEE के लिए तैयारी करते हैं, तो सारे उसमें ये पता चल जाता है कि कहाँ से किस किस सेक्शन से किस किस सब्जेक्ट से किस किस टाइप के क्वेश्चन टाइप के आ रहे हैं और कितने कितने बट के आ रहे हैं, तो ये हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से।
बेनिफिट मिलता है। सो गाइस यहां पर प्रीवियस ईयर और टेस्ट सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वहां से आप टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हो और डिफिकल्टी लेवल जान सकते हो कि किस डिफिकल्टी लेवल का हमारा पेपर आ रहा है। सो चलिए गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, आपने हमें इतना इम्पोर्टेंट समय दिया। तो आप लोग जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इनसे फिर से कॉन्टेक्ट करूंगा और आपकी कमेंट्स जो भी होंगी उनके कमेंट्स का आंसर देने की कोशिश करेंगे हम दोनों लोग। थैंक यू गाइस, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और कीप स्टडिंग, कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ।